हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए क्या है आत्मनिर्भरता का 101 वाला शगुन। वैसे शगुन हमारे यहाँ 101 का ही होता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत पर देश का सबसे ज्यादा जोर रहा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किया है बड़ा ऐलान। अगले 5 साल के दौरान 101 रक्षा उपकरणों को प्रतिबंधित सामानों की सूची में डाल दिया जाएगा, यानी भारत इन सामानों को किसी दूसरे देश से नहीं खरीदेगा। असॉल्ट राइफल, लाइट मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, युद्ध के मैदान पर ये वो कुछ हथियार हैं जो अब विदेश से नहीं आएंगे। रक्षा मंत्रालय ने देश को सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के फैसले के तहत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। 69 रक्षा उपकरणों का आयात दिसंबर 2020 से बंद हो जाएगा। 11 रक्षा उपकरणों का आयात दिसंबर 2021 से बंद होगा। 4 रक्षा उपकरणों का आयात दिसंबर 2022 से बंद होगा। 8 रक्षा उपकरणों का आयात दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 से बंद होगा, जबकि 1 रक्षा उपकरण का आयात दिसंबर 2025 से बंद होगा। अब यह अलग से रक्षा मंत्रालय में तय कर दिया गया है कि हम कितने मूल्य के रक्षा उपकरण केवल देसी कंपनियों से खरीदेंगे, और इसके अंतर्गत इस साल हम 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद भारत में निर्माण कर रही कंपनियों से ही खरीदेंगे। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में से एक है। 2015 से 2019 के बीच सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा। दुनिया के कुल हथियार आयात का 9.2% आयात अकेले भारत ने किया। 101 ऐसे आइटम आइडेंटिफाई करे हैं जो आगे से इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इसमें हालांकि लो टेक्नोलॉजी के हैं, शुरू में वही कर सकते हो आप, लेकिन इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो यूजर को पता है कौन कौन से आइटम हैं जो आगे से नहीं वो इंपोर्ट कर सकता। दूसरा, लोकल मैन्युफैक्चरर को भी पता है किस किस आइटम की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को आज की इन अग्रणी घोषणाओं के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सदा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा रही है।